केला एक ऐसा फल है जो हर मौसम में बाजार में आसानी से मिल जाता है। केला हमारे शरीर को बहुत से ऐसे पोषक तत्व देता है जिससे दिल और आंखों की रक्षा होती है। केला कच्चा खाओ या फिर पका हुआ, ये फायदा ही करता है। लोगों को ये भ्रम है कि केला खाने से वजन बढ़ जाएगा, लेकिन केला एक ऐसा फल है जो वजन बढ़ाने के साथ साथ घटाने में भी काम करता है। केला खाने के लिए इतने फायदे हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। कहा जाता है कि एक सेब खाने से डॉक्टर दूर भागता है, लेकिन यही बात केले के साथ भी होती है। अगर हम एक केला रोज खाते हैं तो हम जीवन भर स्वस्थ रहते हैं। केला खाने के इतने फायदे हैं, जब आप इसे अपने रोज के खाने में खाने लगेंगे तो केले के प्रति आपका पॉइंट ऑफ व्यू ही बदल जाएगा। ऐसा तो हम सभी जानते हैं कि किसी भी चीज को खाने के फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं, लेकिन किसी भी चीज को जरूरत से ज्यादा खा लेंगे तो फायदा कम नुकसान ज्यादा होगा। केला पोषक तत्वों से भरा हुआ है। केले में फॉलिक एसिड, विटामिन ए और बी पाया जाता है। केला खाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और ये हमें संक्रमण से बचाता है। केले में पाए जाने वाले पोटेशियम के कारण ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है, जिससे ब्लड प्रेशर ठीक रहता है। इसके सेवन से कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल में रहता है। अब मैं आपको बताऊंगी केला खाने के फायदे। केला तनाव को कम करने में मदद करता है। केले में अमीनो एसिड होता है जो मूड को रिलैक्स करता है। तनाव से पीड़ित व्यक्ति को केला खाने से अच्छा महसूस होता है। दूसरी टिप है, त्वचा की नमी बनाए रखने के लिए एक मैश किए हुए केले में से एक चम्मच दही और एक विटामिन ई की गोली को मिलाकर चेहरे पर लगाएं। 30 मिनट के बाद इसे धो लें। अगला फायदा है, केले में आपके पसंदीदा चिप्स के एक पैकेट या फिर कुकीज के एक बॉक्स की तुलना से कम कैलोरीज होती हैं, लेकिन फिर भी एक केले में आमतौर पर 100 से 120 कैलोरीज होती हैं, जिससे आपका वजन जल्द ही बढ़ने लगता है। अगली टिप है, केला मैश करेंगे, इसमें एक बड़ी चम्मच चंदन का पाउडर, आधा चम्मच शहद मिला लेंगे। मिलाने के बाद 20 से 25 मिनट चेहरे पर लगा लें और इसे फिर धो लें। इससे त्वचा में बहुत निखार आता है। अगली टिप है, अल्सर की बीमारी में केला खाने से बहुत हद तक आराम मिलता है। केला खाने से पेट में मौजूद अल्सर के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। अल्सर होने पर कच्चे केले को ज्यादा से ज्यादा सेवन करना चाहिए। अगला फायदा है, केला आंखों के लिए भी फायदेमंद है। केले में विटामिन ए भी होता है जो आंखों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। केले के सेवन से आपकी आंखों की रोशनी तेज होती है और ये आंखों में होने वाली समस्याओं को दूर रखता है, इसलिए कम से कम 3 केलों का सेवन रोजाना करना चाहिए। अगली टिप है, अगर आप चाहते हैं कि आपके दांत मोतियों से चमकने लगे तो केले के छिलके का इस्तेमाल करें। ब्रश करने के बाद केले के छिलके को हर दिन दांत में रगड़ने से उनमें चमक आ जाती है। अगला फायदा है, केले के पेड़ के तने में सफेद भाग होता है, उसका रस निकाल कर पीने से डायबिटीज जड़ से खत्म हो जाती है। डायबिटीज होने पर केले के पके हुए फूलों का उपयोग में लाया जा सकता है। अगली टिप है, केले को खाना खाने के बाद भी खा सकते हैं, क्योंकि केला आपको खाना हजम करने में मदद करता है और अगर आपके पेट में जलन हो रही है तो उस पेट की जलन को भी दूर कर सकता है। अगला फायदा है, जब हमें मच्छर काटते हैं तो हमें बहुत ज्यादा खुजली होती है, उस जगह पर केले के छिलके का अंदर का भाग 5 से 10 मिनट के लिए रगड़ने से खुजली और सूजन दोनों ही कम हो जाती है और आपको जल्द ही राहत मिलती है। अगर शरीर में कहीं चोट लग गई है और खून नहीं रुक रहा है तो चोट की जगह पर केले के पेड़ के डंठल का रस लगाने से आराम मिलेगा। अब मैं बात करूंगी केला खाने के नुकसान। क्या आपने कभी सुना है कि केला खाने से भी आपके शरीर को नुकसान पहुंचा जा सकता है? पोटेशियम, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर और एनर्जी से भरपूर ये फल भी आपकी सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है, लेकिन ये सच है। एसिडिटी, डायरिया, ब्लड प्रेशर, कैंसर, सीने में दर्द, एनीमिया, अनिद्रा, दांत खाज, डायबिटीज और अल्सर जैसी परेशानियों को राहत देने वाला एक केला भी नुकसानदायक हो सकता है। पहला नुकसान है माइग्रेन। अगर आपको बार बार माइग्रेन अटैक्स आते हैं तो केला अपनी डाइट में आज ही हटा दें, क्योंकि केले में टायरामाइन नामक का पदार्थ होता है जिससे माइग्रेन का दर्द बढ़ता है। वहीं केले के छिलके में गुदे से 10 गुना अधिक टायरामाइन पाया जाता है। अगर इसे आप खा भी रहे हैं तो इसके छिलके के साथ मौजूद रेशों को अच्छे से निकाल कर खाएं। अगला नुकसान है, केले में भारी मात्रा में स्टार्च मौजूद होता है
जो दांतों की सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। कई रिसर्च में ये खुलासा हुआ कि चॉकलेट और च्युइंगम से ज्यादा दांतों को नुकसान केले से होता है, क्योंकि केले में मौजूद स्टार्च मुंह में घुलने में वक्त लेता है, जिस वजह से दांतों में कैविटी का खतरा बढ़ जाता है। अगला नुकसान है, अब तक आपने सुना होगा कि केला खाने से पेट अच्छे से साफ होता है, लेकिन आपको बता दें कि इसके सेवन से कब्ज का खतरा भी बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें मौजूद टैनिक एसिड पाचन तंत्र पर असर करता है। वहीं अच्छे से पका हुआ केला कब्ज में राहत देता है। अगला नुकसान है, केला में भरपूर मात्रा में विटामिन B6 होता है। केले का ज्यादा सेवन करने से नर्व डैमेज का खतरा बढ़ जाता है। जो लोग रोजाना वर्कआउट करते हैं उन्हें इससे खतरा नहीं, लेकिन एक्सरसाइज ना करने वालों को ज्यादा केला खाने से बचना चाहिए।